भी कह सकते हैं, बट द मोस्ट कॉमन प्रोनाउंसिएशन बाय द इंग्लिश पीपल इज वॉर्थ। ही इज अ रोमांटिक पोएट, ही इज अ रोमांटिक पोएट। ही वॉज द फ्रेंड ऑफ एस टी कॉलेज एंड एस टी कॉलेज एंड विलियम वॉर्थ बोथ हैव स्टार्टेड द रोमांटिक रेवोल्यूशन। उन्होंने ऐसी पोएट्री की जिस पोएट्री को रोमांटिक पोएट्री कहा जाता है। उस रोमांटिक पोएट्री की खसूसियात क्या होती है? उसमें फॉर फैक्ट आइडियाज होते हैं, ऐसे ऐसे नजारे होते हैं जिनको आपने ना पहले कभी सुना होता है ना देखा होता है। उसके अंदर खूबसूरती होती है, उसके अंदर सस्पेंस और हॉरर भी किसी हद तक होता है। और रोमांटिक पोएट्री की ये भी खूबी है, उसके अंदर लिबरलिज्म होती है, आजादी ख्याल होता है। पोएट लाजमी नहीं कि कोई कहानी बनाए, कहानी के बगैर पोएट खूबसूरत नजारे, खूबसूरत बातें, खूबसूरती जहाँ जहाँ जैसी जैसी उसका मन कहता है उसके अंदर से निकलती आती है, पोएट लिखता जाता है। पोएट का कहना ये था, रोमांटिक पोएट का कहना ये है कि वाय पोएट्री में कहानी ही क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि रोमांटिसिज्म से पहले क्लासिकल पोएट्री होती थी और क्लासिकल पोएट्री के अंदर एक कहानी होती थी, पोएम एक छोटी सी कहानी होती थी। तो इन पोएट्स ने, रोमांटिक पोएट्स ने कहा, उन्होंने कहा ये कहानी लिखने से तो जो कारी होता है, जो रीडर होता है, वो तो बेचारा स्ट्रेस में आ जाता है। पोएट्री तो इस चीज का नाम है, इंसान पढ़े और उसका दिल बाग बाग और खुश हो जाए। कभी वो डरे थोड़ा सा, कभी वो सस्पेंस में आ जाए थोड़ा सा, कभी वो किसी नजारे को देखकर खुश हो जाए। तो रोमांटिक पोएट्री की ये खूबसूरती है। और इसके अंदर सबसे अहम चीज ये है कि नेचर को डिस्क्राइब किया जाता है। रोमांटिक पोएट्री में नेचर को डिस्क्राइब किया जाता है। यहाँ पर विलियम वॉर्थ सुनैटरी रीपर में, सुनैटरी मतलब अकेली, रीपर का मतलब फसल काटने वाली, तनहा फसल काटने वाली लड़की, मतलब ये होगा। अब पोएट ने बताया है कि एक लड़की है जो किसी ज्ञाती सड़क के साथ ठहरी हुई है और फसल काट रही है, साथ गीत भी गा रही है। पोएट कहना ही चाहता है उसका गीत बहुत सुंदर है, सुरीला है। उसका गीत नाइटिंगेल के गीत से भी ज्यादा अच्छा है, प्यारा है। उसका गीत जो है वो कुकू बर्ड से भी ज्यादा प्यारा है। और पोएट आकर में कहता है कि मैंने अपने हार्ट के अंदर स्टोर कर ली है उसकी आवाज, और मैंने फिर दोबारा कभी वो आवाज नहीं सुनी। क्लियर? बिहोल्ड हर सिंगर इन द फील्ड। सबसे पहले उसने कहा बिहोल्ड हर, जब उसने बिहोल्ड हर कहा, मैंने कहा था फॉर फिक्स आइडियाज होते हैं रोमांटिक पोएट्री में, दूर दराज के आइडियाज होते हैं, ऐसी चीजों के बारे में बात होती है जिनको ना आपने पहले सुना होता है, देखा होता है। भाई सुनैटरी पर आपने जरूर कहीं देखी होगी, तन्ना फसल काटने वाली लड़की जरूर देखी होगी, लेकिन पोएट का अंदाज देखिए, कहते हैं बिहोल्ड हर, आपको आपके इस आपके इर्द गिर्द साउंडिंग से वो कट ऑफ कर देता है और एकदम ऊपर उठाता है। बिहोल्ड हर, देखो उधर, अपने ख्याल के अंदर आप देखना शुरू करते हैं, उसने साउंडिंग से कट ऑफ कर दिया आपको किसी फॉर फैक्ट आइडिया को दिखाने के लिए। आपने अगर सुनैटरी पर पहले देखी भी होगी तो ऐसी सुनैटरी पर आपने नहीं देखी होगी जैसी आपको विलियम वॉर्थ दिखाने वाला है। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, देखो उसे, वो खेत में तनहा, यून वहां सुनैटरी तनहा, हाईलैंड देहाती लैस देहाती लड़की, हाईलैंड का मतलब देहाती सड़क और लैस का मतलब देहाती लड़की।
देखो इसे वो खेत में, वहां पर वो देहाती सड़क के साथ वो देहाती लड़की है, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। फसल भी काटी जाती है, गीत भी गाती जाती है। स्टॉप हियर, रुक जाओ यहाँ पर, आर जेंटली पास, या धीरे धीरे गुजर जाओ। पोएट ने जब आपको उठाया, बिहोल्ड अ सिंगल इन द फील्ड, आपने एकदम सराउंडिंग से कट ऑफ होकर आप देखने लगे कि कहाँ है वो सोलिटरी, पर देखो अपने ख्याल में तखयल में कि वो खेत में तन्हा ठहरी हुई है। और पोएट को इस कदर यकीन है कि आप उसे देख रहे हैं, पोएट कहता है अगर आपको नजर आ रही है तो आप यहाँ रुक जाइए बिल्कुल, या आप खामोशी के साथ वहां से गुजर जाइए। क्यों खामोशी से? कहीं वो जो गीत गा रही है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। पोएट को इस हद तक यकीन हो गया है कि आप अपने ख्याल में उसे देख रहे हैं, और पोएट को अपने तखयल के अंदर उस गर्ल का इतना उसे ख्याल है, कहता है कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना। स्टॉप हियर और जेंटली पास, धीरे से वहां से गुजर जाओ। अराउंड शी कट्स एंड बाइज द ग्रेन, अकेली ही वो फसल काटती है और गंदम के गट्ठों को बांधती है। ग्रेन का मतलब दाने होता है, लेकिन आप कह सकते हैं गंदम के गट्ठे कह सकते हैं। एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, और वो गाती है मेलनकली स्ट्रेन, और दुख भरा गीत गा रही है। ओ लिसन, अरे सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, कि पूरी गहरी वादी, द वेल वादी प्रोफाउंड गहरी, इज ओवरफ्लोइंग, वो लबालब भरी जा रही है, विद द साउंड, उसकी आवाज से, जैसे किसी बर्तन के अंदर पानी भर जाए तो पानी उसके किनारों से गिरता है तो कैसा लगता है। अगर एक बड़े सारे बर्तन में या आपने फुहारे के अंदर से ओवरफ्लो होता हुआ पानी देखा होगा, ऐसे पूरी गहरी वादी की चारों तरफ, वादी है, वादी की चारों तरफ जो चट्टानें हैं, चट्टानों के पीक के ऊपर से उसकी आवाज की लहरें ऐसे गिर रही है। उस लड़की की आवाज कितनी जादुई है कि वो ओवरफ्लो कर रही है वादियों के ऊपर से। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन है, एक स्टैंजा इम्पोर्टेंट है, ये चार लाइन इम्पोर्टेंट है, इस आइडिया को समझते हैं। No nightingale did ever chant, किसी भी बुलबुल ने कभी नहीं गाया होगा गीत, more welcome notes, notes का मतलब भी गीत, ज्यादा खुश आमदीद का गीत, to weary bands, थके हुए काफलों के, off travelers, मुसाफरों को, in some shady haunt, किसी सायादार नखलिस्तान में बैठकर, among arabian sands, किसी अरब के सहरा के अंदर, अरब के सहराओं के दरमियान में। वो कहता है कि किसी नाइटेंगेल ने भी कभी थके हुए काफलों के मुसाफरों को खुश आमदीद कहने के लिए इतना सुंदर गीत नहीं गाया होगा किसी नखलिस्तान में बैठकर। वो नखलिस्तान जो सहराओं के दरमियान में होता है, अरब के सहराओं के दरमियान में हो, जितना सुंदर गीत ये गाती है। हाँ, ये बात आपको बिल्कुल समझ नहीं आई, आई नो दैट। इस बात को मैं हर दफा समझाता हूँ, फिर समझा रहा हूँ आपको। नाइटेंगेल की आवाज किस किसने सुनी है, नाइटेंगेल देखा किस किसने है। बैरोन ब्लैकेट कलर का बाल्ड है, छोटा सा, चिड़िया से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी दुम रेड होती है और चोटी भी रेड होती है। ये देखा है परिंदा, खूबसूरत है, थोड़ी सी होती है लगभग। अच्छा जी, उसकी आवाज अगर आपने नहीं सुनी तो ये हमारे हमसायों की जो बेल है, ये चीं 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 की जो करती है, ये असल में ये आवाज नाइटेंगेल की आवाज है। ठीक है, इस ट्री के ऊपर, जो आपके सामने ट्री है, इस ट्री पर अगर नाइटेंगेल बैठा हुआ हो, इस ट्री पर अगर नाइटेंगेल बैठा हुआ हो, उसकी आवाज आए तो उसकी आवाज सुंदर होगी, सुरीली होगी, आपको अच्छी लगेगी, मुझे भी अच्छी लगेगी।
लेकिन सोचिए, अगर हम तमाम लोग अरब के किसी सहरा के अंदर रफ के सफर बांधे हुए, अरब के किसी सहरा के अंदर सारो सामान से लदे हुए पैदल चल रहे हो सहरा में, और हमें किस चीज की तलाश होगी? हमें उस सहरा के अंदर तलाश होगी उस नखलिस्तान की जिसे औसत कहते हैं। हमें एक नखलिस्तान की तलाश होगी। नखलिस्तान के बारे में ये है कि सहराओं के दरमियान में एक सरसब्ज शादाब गांव होता है, जहाँ खजूर भी होती है, जहाँ पर पानी भी बहता होता है, और सहराई तमाम लोग वहाँ पर मंजिलें तय करके पहुँचते हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो उनके लिए वो पैराडाइज होती है। अगर हम तमाम लोगों ने रख के सफर बांधा हुआ है, हम सारे के सारे सफर कर रहे हैं, और हमारी मंजिल किधर होगी? जहरी बात है, हमारी मंजिल है, क्या है हमारी मंजिल? ऊंची आवाज से बोले, नखलिस्तान हमारी मंजिल है। हमें नखलिस्तान नजर नहीं आ रहा, लेकिन नखलिस्तान के अंदर बैठा हुआ एक बुलबुल, नखलिस्तान के अंदर बैठा हुआ एक बुलबुल की अगर आवाज सुनाई देती है, नखलिस्तान के अंदर बैठे हुए एक बुलबुल की अगर हम तमाम मुसाफिरों को आवाज सुनाई देती है, तो वो आवाज सुरीली तो होगी, लेकिन साथ ही वो वेलकम की आवाज भी होगी, साथ ही वो खुशखबरी की भी आवाज होगी कि करीब आ गई है मंजिल। साथ उस आवाज से जुड़े हुए पानी के चश्मे भी हैं, उस आवाज से जुड़े हुए सरसब्ज शादाब वहाँ के पाम ट्रीज भी हैं। अब बताइए कि आपको यहाँ इस ट्री पर बैठी हुई आवाज ज्यादा अच्छी लगी है, जो नाइट एंजल इस ट्री पर बैठा था गा रहा था, इसकी ज्यादा अच्छी आवाज होगी, सुरीली होगी, या वो जो अरब के नखलिस्तान में बैठा हुआ थके हुए काफलों के मुसाफिरों को ज्यादा खुश आमदेद कहने के गीत गा रहा है नाइट एंगल, उसकी आवाज ज्यादा सुंदर होगी? तो नखलिस्तान वाले की ज्यादा सुंदर होगी, और राइटर कहता है उस नखलिस्तान वाले नाइट एंगल से भी ज्यादा सुरीली आवाज इस फ्लैट रीपर की थी। ठीक हो गया, आए जी आगे। आवाज सो थ्रिल, ये पैराग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। आवाज बहुत ही पुरजोश, नेवर वाज है, ऐसी आवाज तो कभी भी नहीं सुनी गई इन स्प्रिंग, यहाँ तक के बहार के मौसम में, फ्रॉम द कुकू बर्ड, कुकू से, कोयल से। देखिए, जब परिंदे बहार नहीं होती, जब आतम फिजा होती है, तो परिंदे उस वक्त गीत नहीं गाते। जब फिजा ढलने लगती है, तो उनके उनके गलों से हल्की हल्की आवाजें आने लग जाती है, और याद रखें, जब स्प्रिंग आती है, तो उनके गले फुल पीक के साथ कू कू की आवाज निकाल रहे होते हैं पूरी स्पीड के साथ। तो राइटर कहता है कि स्प्रिंग सीजन में भी कुकू बर्ड की इतनी थ्रिलिंग आवाज नहीं सुनी गई। वो कुकू बर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, वो कुकू बर्ड जिसकी आवाज समुद्रों की खामोशी को तोड़ देती है, अमंग द फॉरेस्ट हेब्रिडीज, दूर दराज हेब्रिडीज के जजीरों में, हेब्रिडीज की नॉर्दर्न शोर ऑफ स्कॉटलैंड पर, ये हेब्रिडीज के छोटे छोटे जजीरे हैं, ये नॉर्दर्न शोर ऑफ स्कॉटलैंड पर है। बिल्कुल वही सूरत हाल है, समंदर में सफर है, छह छह माह से आप सफर कर रहे हैं, तलाश है किसी जजीरे की, जजीरा सामने नजर ना आए, लेकिन कुकू बर्ड की आवाज आ जाए, जो समंदरों की खामोशी को तोड़ते हुए आप तक पहुंच रही हो आवाज, उस कुकू बर्ड की आवाज से भी ज्यादा खूबसूरत आवाज रहती रही बनती। When no one tell me what she sings, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि ये क्या गाती है, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज में गीत गा रही है, पोएट की लैंग्वेज ये नहीं है, पोएट की लैंग्वेज इंग्लिश है, और ये जो है ये किसी और नेटिव लैंग्वेज में गा रही है गीत, तो पोएट को समझ नहीं आ रही कि ये कहे क्या रही है। पोएट अब अंदाजे करेगा इन लाइन में
आपके गीत का मकसद क्या है, गीत का मतलब क्या है? Well, no one tell me what she sings. क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो क्या गाती है? Perhaps the plaintive number slow. नंबर का मतलब गीत, स्लो का मतलब गाना, प्लेनेटिव का मतलब सैड, शायद कि वो कोई उदास गीत गा रही है। For old unhappy for asking, किसी old नाखुशगवार या बहुत पहले की चीजों के बारे में, यानी कि वो किसी बहुत पहले की चीजों के या किसी नाखुशगवार वाक्य या किसी कदीम चीजों के बारे में माजी के कोई गीत गा रही है। And battles long ago, या उसके गीत से अंदाजा होता है कि माजी के जंगों के बारे में वो गीत गा रही है। और इज इट मोर हम्बलने, या ये एक सादा सा गीत है। फेमिलियर मैटर ऑफ टूडे, रोजमर्रा के मामलात के बारे में, या तो ये सादा सा गीत है रोजमर्रा के मामलात के बारे में, सम नेचुरल सारो या किसी नेचुरल सारो के बारे में, जैसा कि किसी की डेथ हो जाए ये नेचुरल सारो है, लॉस और पेन, किसी नुकसान पर गीत गा रही है, पेन किसी तकलीफ पर गीत गा रही है, दैट हैज बीन, यही था इस गीत का मतलब, एंड मे बी अगेन, अगेन का मतलब यह दोबारा नहीं, अगेन का मतलब या कुछ और, यही था इस गीत का मतलब या कोई और था, ये अंडरलाइन करें दो लाइन, सम नेचुरल सारो और दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, ये मे बी अगेन वाला जो सेंटेंस है ये पहले बहुत दफा एग्जाम में आ चुका है, इसलिए कि बच्चे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते अगेन की वजह से, आइडिया क्लियर नहीं होता उनको। यही था इस गीत का मतलब या कोई और था। व्हाटएवर द थीम, चाहे थीम कोई भी हो, द मैडम सैंग, ये जो दोशीजा, ये जो दोशीजा, ये जो खूबसूरत लड़की थी, खूबरू लड़की, रानी मुखर्जी नहीं, अलका याग्निक, क्योंकि गीत बड़े अच्छे गाती है ना, द मैडम सैंग, ये मैडम गीत गाती है, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसे जैसे इसके गीत का कोई भी इख्तिताम ना हो। जब कोई आपको कोई दुखी अपनी बात बताने लगता है तो पहरों गुजर जाते हैं और कहानी खत्म नहीं होती, दुख की कहानी लंबी होती है, जिस तरह के बांसुरी के राग लंबे होते हैं और बांसुरी के गीत इतने दुखी होते हैं क्योंकि उसके सीने में छेद छेद होते हैं। तो ये लड़की जो है ये गीत गा रही है और ऐसे लगता है कि इसके गीत का कोई इख्तिताम नहीं है, ये इंतहाई सैड गीत होगा जब जिसका कोई इख्तिताम नहीं है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे देखा है अपने काम के दौरान गाते हुए, एंड ओवर द फिकल बेंडिंग, और वो अपनी दराती पर झुके हुए थी, यानी कि दराती पकड़कर वो काम भी कर रही थी, काट भी रही थी फसल और गीत भी गा रही थी। सिकल दराती, ये घास काटते हैं किसान, देखे कभी उनको मुट्ठे के मुट्ठे पकड़कर नीचे से काट देते हैं दराती, देखिए कल ले आना उसे दिखाएंगे, आजान हो जाए उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर।
Attention please, and over the fecal bending, और अपने धराती पर झुकी हुई है। कहने का मतलब ये है एक जमाना होता था अजान होती थी लोग सर झुका के अजान सुनते थे, अब अजान होती है तो लोग सिगरेट पीने चले जाते हैं। अच्छा मैं वो गली के लड़कों की बात कर रहा हूँ। एंड ओवर द फिकल बेंडिंग, और वो धरती पर झुकी हुई, कहने का मतलब अपने काम में भी मसरूफ है। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, और मैंने उस गीत को सुना मोशनलेस एंड स्टिल। याद है उसने शुरू में कहा था, उसने कहा था या तो रुक जाओ या आराम से धीरे धीरे यहाँ से गुजर जाओ। वो कहता है कि मैंने तो गीत सुना है मोशनलेस एंड स्टिल, बेहिस तो हरकत होकर। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैं हिल पर, मैं चट्टान पर, पहाड़ पर मैं जैसे ही चढ़ा, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई हर्ड, तो मैंने अपने हार्ट के अंदर उसी म्यूजिक को दोबारा गूंजते हुए सुना, उसी म्यूजिक को मैंने अपने दिल में पाया। बोर का मतलब बर्दाश्त करने से निकला है, यानी कि बर्दाश्त करने का मतलब ये कि मौजूद होना। मैंने अपने दिल में उसकी गूंज पाई। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हेयर नो मोर, और फिर लंबे अरसे तक ऐसी आवाज फिर नहीं सुनाई दी। विलियम बॉब का कहना है कि नेचुरल ऑब्जेक्ट सारे बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन द मोस्ट स्ट्राइकिंग नेचुरल ऑब्जेक्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग खुद है। सबसे अच्छा नेचुरल ऑब्जेक्ट इंसान खुद है, इसीलिए उसने एक इंसान की बात की है, और एक इंसान की वो सुरीली आवाज की, जो कि नेचुरल एक वॉइस है, सुरीली आवाज, उसकी बात की है। आइए Acute English Verse by AP Publisher, written by Bhutta. इसमें से रेफरेंस कंटेक्ट निकालिए। पेज नंबर 33. There is no light there. Okay, just a minute. Reference. These lines have been taken from the poem Slattery Reaper, written by William Wordsworth. Context. Context में आपने पूरी स्टोरी की एक छोटी सी समरी लिखनी होती है, या तो आपने वहाँ तक डिस्कस करना होता है पोएम को जहाँ तक आपको लाइन दी गई है। लाइन अगर आखिर में से दी गई है तो आप वहाँ तक डिस्कस करेंगे, अगर मिड से दी गई है तो पोएम को मिड तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मेरी बात समझ नहीं आती तो परप्लेक्स होने की जरूरत नहीं, छोटी सी समरी लिख देते हैं कंटेक्स्ट में। कंटेक्स्ट, द मैजेस्टिक पोएट ऑफ नेचर इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये अजीम जो नेचर का अजीम पोएट है अपने ख्याल के अंदर देखता है, चीज देखता है। इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है अपने ख्याल में,
अपने ख्याल में देखता है, चीज देखता है, एन इंशेंटिंग गर्ल, एक खूबरू लड़की हो, हु इज अलोन वर्किंग इन द फील्ड, जो खेत में तन्हा काम कर रही है, एंड सिंग्स अ कैप्टिवेटिंग सॉन्ग, और एक दिलकश गीत गा रही है। द सॉन्ग इम्प्रेसेस द पोएट सो मच, और सॉन्ग पोएट को बहुत इम्प्रेस करता है, दैट ही कीप्स दिस सीक्रेट वॉइस ऑफ नेचर इन हिज हार्ट, कि उसने फितरत की इस मुकद्दस आवाज को अपने दिल में रख लिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे के लिए। इन दिस रोमांटिक पोएम, इस रोमांटिक पोएम में द पोएट प्रेजेंट्स अ लिटिल पैनोरामा, पोएट जो है थोड़ा सा रोशनी का एक मंजर दिखाता है। पैनोरामा का मतलब रोशनी का मंजर, पैनोरामा एक प्लाजा भी है यहाँ। पोएट पेश करता है एक रोशनी का मंजर, अ लिटिल नेचर, थोड़ी सी नेचर भी दिखाता है, एंड मोर ऑफ ह्यूमन लाइफ, ज्यादा वो इंसानी जिंदगी की बात करता है। क्यों? बिकॉज ही ऑलवेज सेज, क्योंकि उसका कहना है दैट ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, कि इंसान जो है वो फितरत का बेहतरीन हिस्सा है, ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर फितरत की बेहतरीन शय है, चीज है। एक्सप्लेनेशन कोई भी स्टैंजा आएगा तो पहले यही एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे। द पोएट मेक्स एन इम्प्रेसिव स्टोरी ऑफ द लॉन्ग एगो, पोएट जो है लॉन्ग एगो माजी की एक दिलचस्प कहानी बनाता है इन ग्रेट लिटरेरी टेक्निक, एक जबरदस्त अदबी टेक्निक में, एक अदबी गुर के जरिए, और उसका नाम है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है माजी से रिलेटेड कोई दुख, माजी से रिलेटेड कोई दुख। पोएट ने माजी का एक दुखी हिस्सा दिखाया है जिसमें एक लड़की कोई दुखी गीत गा रही थी, तो नॉस्टैल्जिया के अंदर उसने ये पोएम लिखी है। इन दीज लाइन टेंडर फीलिंग्स, इन लाइन में नर्म नाजुक एहसास, फास्ट मेमोरीज, नेचुरल ब्यूटी एंड लॉनलीनेस, और तन्हाई, ये पांच चीजें मिक्स्ड विद, ये मिक्स हो गई किसी से रियलिस्टिक एंड सेंटीमेंटल स्टाइल, पोएट के हकीकत पसंदाना और जज्बाती स्टाइल के साथ, यानी कि पांच चीजों का कॉम्बिनेशन पोएट के स्टाइल के साथ हो गया। जब ये चीज कॉम्बिनेशन बना, रिवील द ग्रेट ट्रूथ ऑफ कीट्स, तो कीट्स का वो अजीम सच सामने आ गया जो कीट्स ने कहा था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, एक खूबसूरत चीज हमेशा हमेशा के लिए खुशी का बायस होती है। लाइन टू लाइन आगे एक्सप्लेनेशन हुई हुई है, इसे बार बार रीड करेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है मैंने उसके ऊपर स्टार भी मेंशन कर दिया है, और जिस पर सिंगल स्टार होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें डबल स्टार, ट्रिपल स्टार या फोर स्टार होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। कमेंट्स देखें। The rhythm of the poem is obvious. इस poem की rhythm बहुत वाज़े है, and it is also suited to the subject. और subject को भी suit करती है। Nice.